हेलो गाइस, मैं आज बताने वाला हूँ चेयर कन्फर्मेशन ऑफ मोनो सब्सटिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के बारे में। कि जो मोनो सब्सटिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें किस तरह से हम चेयर कन्फर्मेशन दिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ वी गोइंग टू राइट हियर दिस टाइप। सपोज दिस इज अ मोनो सब्सटिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम क्या है? वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन का नाम है वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्लोरो साइक्लोहेक्सेन और क्लोरो साइक्लोहेक्सेन आज वही है। तो इसके हम देखें कि चेयर कंफर्मेशन कैसे है, तो इसका पॉसिबिलिटी क्या है। ये जो है सीएल, ये क्या हो सकता है? ये अबव द प्लेन, अदर इधर बिलो द प्लेन। सो लेट्स सपोज इफ हैव वन इज अबव द प्लेन एंड अदर इज बिलो द प्लेन, व्हाट इज दिस सीएल? Above the plane, either CL below the plane. ये dotted dotted line है, dot dot line, dash line. ये जो dotted dotted जो है, dash dash line, ये क्या है? ये है क्या? ये इसे बोलते हैं below the plane. और ये क्या है? ये जो solid line है, ठीक है, ये क्या है? अबो द प्लेन, अबो द प्लेन। तो यदि अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है? क्लोरो क्या हो सकता है? अबो द प्लेन, इधर बिलो द प्लेन। तो यदि अबो द प्लेन है तो किस तरह से हम चेयर कन्फर्मेशन दिखाएंगे, कैसे होगा? मैं यहां पर ड्रा करने वाला हूं क्या चेयर कन्फर्मेशन। कैसे चेयर कन्फर्मेशन किस तरह से होगा? चेयर बनाएंगे। सो सी This is a chair, okay? This is a chair. One chloro. किसी भी इसमें किसी एक पोजिशन में हम क्या करेंगे? क्लोरो लगाएंगे। तो ध्यान रहे, क्लोरो क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है क्लोरो? या तो इक्विटोरियल में हो सकता है, या तो एक्सियल में हो सकता है। जो साइक्लोहेक्सेन होता है इसमें क्या होते हैं? एक्सियल इक्विटोरियल। तो जो क्लोरो है एक्सियल में हो सकता है, तो इक्विटोरियल में हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे इस बात की, ये क्या है? अबो द प्लेन में है, तो अबो द प्लेन में होना, यानी कि ऊपर ही होना चाहिए। हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए? ऊपर ही होना चाहिए। कैसे? सपोज ये क्या लाइन है? दो है, एक अब एक क्या है? इक्विटोरियल, एक एक्सियल। लेकिन ऊपर कौन है? ऊपर कौन सी है? ये वाली सीएल। तो ये क्या है? दिस इज एक्सियल और ये एच। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? यदि हम देखें इसके स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके स्ट्रक्चर क्या है? ये है। ये क्या है? एक्सियल। ये अबो द प्लेन में है, अबो द प्लेन में है। लेकिन यदि हमें ये चाहिए, ये तो अबो द प्लेन में है। यदि हम इसको क्या बना, इक्विटोरियल, तो ये इक्विटोरियल में हो सकता है। कैसे? लेकिन ध्यान रहे इस बात की, ये अबो द प्लेन में, यानी कि ऊपर ही होना चाहिए, हाइड्रोजन से ऊपर ही होना चाहिए। कैसे? यदि हम इसको और स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं यहां पर, इसी को मैं ड्रा कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर ये। अब इसको मैं इस तरह से नहीं करूंगा, क्यों? ये तो इक्विटोरियल पोजीशन है, लेकिन ये क्या है? अबो द प्लेन। तो हाइड्रोजन से नीचे है, ये इससे नीचे है, ये क्या है? ये बिलो द प्लेन हो जाएगा। इसलिए इसको हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, इक्विटोरियल पोजीशन में लाएंगे ऐसी जगह पर जो कि जो सीएल है वो क्या हो? अबो द प्लेन में हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को छोड़ के हम यहां पर कर सकते हैं इस तरह से। ये है इक्विटोरियल पोजीशन, और इक्विटोरियल में क्या करेंगे हम? सीएल और ये एच। ये है इक्वा टोरियल पोजीशन। अब यहां पर देखो कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? सीएल है। सो इट इज परफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस सीएल इज अबो द प्लेन। सो यानी कि यहां पर भी एच के ऊपर क्या है? सीएल है, और यहां पर भी एच के ऊपर क्या है? सीएल। लेकिन यहां पर सीएल क्या एक्सेल में है, और यहां पर सीएल क्या इक्विटोरियल में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है क्या है? इधर ये हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है। सो इनमें से दोनों में से कोई एक।
या तो इक्वेटोरियल पोजीशन या ये इक्वेटोरियल पोजीशन या तो एक्सियल पोजीशन, लेकिन ध्यान रहे इस बात की क्या होना चाहिए, ये अबोव द प्लेन में होना, यानी कि हेडर से ऊपर ही होना चाहिए, तभी तब हम इसको सही मानेंगे, अन्यथा हम इसको सही नहीं मानेंगे। सो दैट सो दिस इज पॉसिबल टू स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं बिलो द प्लेन की, कि ये तो बिलो द प्लेन में है, तो बिलो द प्लेन हम कैसे दिखाएंगे यहां पर, कि बिलो द प्लेन कैसे दिख रहा है। तो मैं इस पर रफ कर रहा हूं, पर बिलो द प्लेन चलते हैं, क्या होता है बिलो द प्लेन में क्या होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये अबोव द प्लेन कंप्लीट हुआ। अब बिलो द प्लेन में क्या है कि ये इसको मैं ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। सपोज चेयर एंड चेयर, अभी क्या है बिलो द प्लेन में है, तो बिलो द प्लेन मतलब क्या, ये नीचे होगा, किससे, हाइड्रोजन से नीचे होगा, यहां पर क्या एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन रहता है वो इससे नीचे होगा, तो नीचे क्या है ये सीएल, ये एच, और ये क्या है इक्वा टू रियल, इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल में है, लेकिन सीएल क्या है एच से नीचे है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या सकता है, ये वाली हो सकती है, ये वाली है, हो सकती नहीं, ये है स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या सकता है, एक्सेल में भी सकता है, लेकिन ध्यान रहे वहां पर एक्सेल में क्या होना चाहिए, बिलो द प्लेन में ही होना चाहिए, बिलो द प्लेन में ही होना चाहिए। तो बिलो द प्लेन कैसे लाएंगे, हम यदि बनाए हैं बिलो द प्लेन क्या हो सकता है, बिलो द प्लेन में इसको हम लेते हैं यहां पर इस पोजीशन, तो बिलो द प्लेन में क्या है, ये सीएल है और ये एच, बिलो द प्लेन का मतलब हाइड्रोजन से नीचे, इस हाइड्रोजन से नीचे क्या है सीएल है, और ये क्या है, ये एक्सेल पोजीशन में एक्सीएल। इस तरह से इसके भी दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक एक्सियल और दूसरा एक इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, लेकिन ध्यान इस बात रहना चाहिए कि यदि ये बिलो द प्लेन में है तो ये बिलो ही होगा, अबो में नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, बिलो द एच से नीचे है और यहाँ पर एच से नीचे है, लेकिन यहाँ पर क्या है इक्विटोरियल है और यहाँ पर एक्सियल है। सो ये दो स्ट्रक्चर है किसके, बिलो द प्लेन के, यहाँ पर मैंने बनाया था अबो द प्लेन के दो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं कि यदि कहीं पर एक मोनो सब्सट्रेटेड साइक्लिक हेक्सेन है तो किस तरह से हम चेयर कंफर्मेशन में उसको हम पोजीशन को हम दिखाएंगे, दर्शाएंगे किस तरह से वो है, लेकिन इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि यदि ये बिलो है तो यहाँ पर हम बिलो ही दिखाएंगे, ना कि अबो दिखाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन से नीचे ही क्लोरो होगा, हाइड्रोजन से नीचे ही क्या होगा क्लोरो होगा। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स, तो इस तरह से कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्लोरो है तो क्लोरो की जगह क्या हो सकता है, कोई मिथाइल हो सकता है, कोई मिथॉक्सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है मोनो सब्स्टिट्यूट के लिए इस तरह से चेयर कंफर्मेशन हम ट्राई करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर भी क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक ही दिखाया है। सो लेट्स कंप्लीट, ओके, सो इट इज फिनिश्ड, थैंक यू।